आई सोविटेक यूट्यूब चैनल में सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं पोको की तरफ से पोको M2 Pro का रिव्यू करने जा रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो इसके पीछे की तरफ है जो पोको M2 Pro का लोगो है ऊपर, उसके क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720 गेमिंग प्रोसेसर है, बहुत बढ़िया चीज है। इनबॉक्स 32 वाट फास्ट चार्जर है, ये भी बहुत बढ़िया चीज है इस रेंज के अंदर, ठीक है। और फुल एचडी स्क्रीन डिस्प्ले है, 48 क्वाड कैमरा है, 60 MPS फ्रंट कैमरा है, और जो है हाई रेजोल्यूशन, प्राइमरी, अल्ट्रा वाइड एंगल, मैक्रो, डीप लेंस, सब कुछ भी है इसके अंदर, ठीक है। और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास फ्रंट में लगा हुआ है, ठीक है। चलिए इस बॉक्स के अंदर क्या है देखते हैं। तो पहले इसमें एक सिंपल केस है, इसके अंदर देख लीजिए एक केस है इसको फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आप लोग देख सकते हैं ऐसे करने भी ऐसे ही हो जा रहा है, ठीक है। और पहले ही बता दूं, ये जो प्रोडक्ट है मैं फ्लिपकार्ट से परचेज नहीं किया हूँ, ऑफ शॉप से मैं खरीदा हूँ, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट के ऊपर मैंने 3-4 बार ट्राई किया है, मगर उन्होंने हमको ये प्रोडक्ट नहीं दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके क्या है। तो एक बात और बोल देता हूँ, इस फोन को मैं पहले से सेटअप करके रखा हूँ, ठीक है। फोन को ऑन कर लेता हूँ, पोको का लोगो आ गया है आप लोगों के सामने। फिलहाल तो इसको ऑन होते देते हैं, इसके अंदर और क्या क्या है देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यही है बहुत बढ़िया चीज इस रेंज में, आपका जो है एक डाटा केबल है और 3 वाट का चार्जर है, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है और बहुत ही बढ़िया बड़ा है, ठीक है। तो इसमें से चार्ज लगभग 1.5 घंटा में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोन स्टार्ट हो गया है, तो देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। फिंगरप्रिंट स्कैनर है, आप लोग देख सकते हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ इसको मैं सेटअप करके रखा था, तो देखिए कितना क्विक कार्ज करता है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही ज्यादा फास्ट है। फिर से एक बार देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा फिंगरप्रिंट फास्ट है, ठीक है। इसके बैक में है, बैक में इसका है 4 कैमरा वाला सेटअप, जो एक नया लुक है पोको या के शाओमी के कोई भी मोबाइल में पहले ऐसा नहीं सेटअप था, सब सिंगल लाइन में था। अब जो आप देख रहे हैं ये 4 कैमरे वाला सेटअप है, 48 MP का प्राइमरी कैमरा है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 5 MP का मैक्रो और 2 MP का डेप्थ कैमरा है, ठीक है गाइस। तो और सामने है 16 MP का फ्रंट कैमरा, ठीक है। और पीछे है 5.5 का प्यारा दुलारा सा जैक है, इधर टाइप सी पोर्ट चार्जर केबल है, ठीक है। और ये यहाँ पे आप म्यूजिक सुन सकते हैं, माइक है ये, ठीक है। और इसका जो सिम टूल है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो देख लीजिए आप लोग, ये जो सिम ट्रे है इसमें आप एक चिप और दोनों सिम को लगाता है, ये हाइब्रिड स्लॉट चिप, हाइब्रिड स्लॉट नहीं है इसमें, ये 3 स्लॉट वाला ट्रे है, ठीक है। इसमें आप 2 सिम और 1 SD कार्ड डाल सकते हैं। चलिए आज का जो मेन पर्पज था इस फोन के अंदर, पबजी इसमें कैसे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूं, चलिए देखते हैं पबजी इसमें कैसे चलता है। गौर से देखना गाइस इसमें क्या होता है, मैं तो पहले खेल चुका हूं, ठीक ठाक लगा, बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक ठाक लगा। इस रेंज के अंदर इतना कुछ दिया है पोको की तरफ से, ये बहुत बढ़िया बात है। तो पबजी स्टार्ट हो गया है, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे मोबाइल में। So, इसका इसके सेटिंग में चलते हैं और कंट्रोल पैनल में चलते हैं, कितने ज्यादा ग्राफिक्स में जाते हैं और किस में खेल सकते हैं, स्मूथ अल्ट्रा प्लस तक है, ठीक है। बैलेंस और
बैलेंस अल्ट्रा में खेल सकते हैं, एचडी में हाई खेल सकते हैं, एचडीआर में नहीं होता है, एचडीआर में नहीं होता है, अल्ट्रा एचडी में होता है। तो सबसे बढ़िया क्वालिटी है जो स्मूथ और अल्ट्रा में होता है, एक बहुत बढ़िया सेटअप है। ठीक है, तो मैं एक टीडीएम स्टार्ट करके देखता हूँ। ओके और देखिए गाइस, आ गया फील्ड में। रेस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा फास्ट है, ठीक है, मुझे लगता है ऐसा, मगर क्लक्सिक जो फोन होता है ना उसके अलावा थोड़ा कम है। ठीक है, तो देख लीजिए, स्टेडियम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ पबजी में, तो फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, हर बार मैं मर जाता हूँ। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए आप लोग, मैं बहुत बुरा खेलता हूँ पबजी, ठीक है, मगर आप लोग जो अच्छे खेल सकते हैं तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, स्मूथ ही चल रहा है। ठीक है, तो शायद आप लोगों को दिख रहा है कैसे चल रहा है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसका जो कैमरा क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, ठीक है, कैमरा का जो क्वालिटी का है, फ्रंट बैक अब सबको मैं दिखा देता हूँ। तो चलिए, ये जो मैंने सेल्फी सेल्फी लिया है, सेल्फी का पिक्चर आप लोग देख सकते हो, तीनों लिया है, जूम करके देख लो, कोई फेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक है दो, इस वाले में भी नहीं, क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। और वो जो बैक का कैमरा है उसमें हमने मैंने बहुत कुछ पिक लिया है, देख सकते हो, वाइड एंगल में एक लिया है, उसके बाद एक पोर्ट्रेट में लिया है। ठीक है, और एक देख सकते हो, इसको मैं पोर्ट्रेट में ले लिया है। ठीक है, और ये जो पिक है ना, इसको मैं फुल जूम करके 10x जूम करके ले लिया है, उसके अंदर भी देखो आप लोगों को कितना क्लियरिटी में मिल रहा है। ठीक है, ये जो था कैमरा हो गया। ठीक है, इसके सेटिंग में मैं चलता हूँ, सेटिंग में क्या क्या है, तो सेटिंग में गए, एबर्ड फोन में गए। ठीक है, पोको का M2 प्रो का मॉडल है। ठीक है, और ये MIUI 10 पे चलता है, आप लोग देख सकते हो, देख लीजिए। और इसका जो रैम और वेरिएंट है मैं उसको दिखा देता हूँ, इसका 6 GB का रैम है और इसका स्टोरेज है 64 GB का। ठीक है, और एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, इसका तीनों वेरिएंट आता है, 4 64 GB, 6 64 GB और 6 128 GB, तीनों वेरिएंट में आता है इसको। ये जो मोबाइल है ये तीनों कलर में आता है, मेरे पास एक ग्रीन वाला और ब्लैक है और ब्लू है। ठीक है, तो इसका जो प्राइस है, ऑनलाइन प्राइस 4 64 GB जो है वाला वेरिएंट है वो 14,000 में आता है, और 6 64 GB का वो जो 15,000 में आता है, और 6 128 GB वाला वेरियंट वो अगर मुझे लगता है 17,000 में आसपास आता है। ठीक है, तो वीडियो इतना तक था गाइस, तो वीडियो का अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो के दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो को और देखने के लिए। टेक केयर गाइस, चलो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।